बात से? सहमत है ना नौजवान? पिछले साल मेरी इजराइल की यात्रा के दौरान हमने 40 बिलियन यूएस डॉलर का एक फंड भी स्थापित किया, जो भारत एवं इजराइल का एक ज्वाइंट वेंचर होगा। इससे दोनों देशों के टैलेंट को टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की दिशा में कुछ नया करने में मदद मिलेगी। इस ज्वाइंट वेंचर में खाद्यान्न, पानी, हेल्थ केयर से मुक्ति तथा ऊर्जा के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हमने इनोवेशन ब्रिज की भी परिकल्पना की, जिसके तहत दोनों देशों के स्टार्टअप के बीच एक्सचेंज होता रहे। मुझे खुशी है इस प्रक्रिया के दौरान इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से कुछ विजेता चुने गए और आज उन्हें स्टार्टअप अवार्ड भी दिए गए हैं। अभी आपने देखा इजराइल की टीम और भारत की टीम दोनों यहां अभी मंच पर आए थे। इंडिया इजराइल इनोवेशन ब्रिज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आने वाले दिनों में दोनों देशों के स्टार्टअप के बीच एक बहुत बड़े कनेक्शन के रूप में उभरेगा। दो दिन पहले जब दिल्ली में दोनों देशों के सीईओज की बैठक हो रही थी, तब वहां भी हमने इस प्रयास को समर्थन देने को कहा था। साथियों, भारत के पास अथाह सामुद्रिक शक्ति है। 7,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबा हमारा समुद्री तट, 1,300 के करीब छोटे बड़े द्वीप और कुछ द्वीप तो सिंगापुर से भी बड़े हैं, लगभग 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये हमारी एक ऐसी ताकत है जिसका कोई मुकाबला नहीं। इस ताकत का इस्तेमाल देश की प्रगति में और ज्यादा हो सके, इसके लिए नए नए इनोवेशन की आवश्यकता है। नए इनोवेशन ब्लू रिवॉल्यूशन के लिए नई ऊर्जा बन सकते हैं, हमारे मछुआरे भाइयों की जिंदगी बदल सकते हैं। मैं इजराइल के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पिछले साल मेरी यात्रा के दौरान मुझे समुद्री जल को साफ एवं उपयोग लायक बनाने वाली एक मोटरेबल मशीन दिखाई थी। वो खुद ड्राइव करके मुझे ले गए थे। इतना ही नहीं, वैसा एक यंत्र वो आज अपने साथ लाए, उसका लाइव डेमो अभी आपने स्क्रीन पर देखा था। बनासकांठा जिले में बॉर्डर के एक गांव में इस नए सिस्टम को काम में लगाया गया है। इससे बीएसएफ पोस्ट पर तैनात जवानों और आसपास के गांवों के लोगों को साफ पीने का पानी तो मिलेगा ही, भारत में इस टेक्नोलॉजी को परखने का भी एक अवसर मिलेगा। भाइयों और बहनों, मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि इजराइल के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में सहयोग से जुड़े 28 में से 25 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस तैयार हो चुके हैं। इनके द्वारा कैपेसिटी बिल्डिंग, इंफॉर्मेशन और जेनेटिक रिसोर्स के एक्सचेंज में मदद मिल रही है। इन सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस में 3 हमारे गुजरात में स्थापित हुए हैं। इस कार्यक्रम के बाद मैं और प्रधानमंत्री जी प्रांतिक तालुका साबरकांठा जिला के वदराड गांव जा रहे हैं। वहां भी इजराइल की मदद से
एग्रीकल्चर सेक्टर में सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस बना है, वहीं से हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कच्छ में खजूर पर जो रिसर्च का सेंटर चल रहा है उनके साथ भी हम बातचीत करेंगे। वडराट सेंटर से गुजरात के किसानों को सब्जियों की नई पौन डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। इस केंद्र में 10,000 किसानों को ट्रेनिंग दी गई है और 35,000 से ज्यादा किसान इस सेंटर को देखने आ चुके हैं। यहां के कुछ लोगों को इजराइल में भी प्रशिक्षण दिया गया है। भारत और इजराइल के बीच ये सहयोग, ये परस्पर विकास की भावना दोनों ही देशों के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 21वीं सदी में दोनों देशों का ये साथ मानवता के इतिहास में नया अध्याय लिखेगा। साथियों, एक दूसरे की संस्कृतियों का सम्मान, एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान हमारे संबंधों को हमेशा मजबूत करता रहेगा। भले ही कम संख्या में हो, लेकिन ज्यूज समुदाय के लोग अहमदाबाद और उसके आसपास के इलाके में सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। वो गुजरात के इतिहास के साथ, गुजरात की संस्कृति के साथ घुल मिल गए हैं। गुजरात के ज्यूज समुदाय ने अपनी जगह देश के अन्य हिस्सों और इजराइल तक में बनाई है। भारत और इजराइल के संबंधों का विस्तार और बढ़े और मजबूत हो, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और आज इस अवसर पर आई क्रिएट को साकार करने में जिन लोगों ने सहयोग दिया है उन सभी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। श्री नारायण मूर्ति जी, श्री दिलीप सिंघवी जी सहित तमाम महानुभाव ने आई क्रिएट को क्रिएट करने में बड़ी भूमिका निभाई है, अपना बहुमूल्य समय दिया है। मैं आशा करता हूं कि इस संस्था में इनोवेशन का जो वातावरण बनेगा वो पूरे देश के नौजवानों को सशक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। और मैं प्रधानमंत्री जी का, श्रीमती सारा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे अच्छे मित्र के रूप में हमारी दोस्ती, दो देशों की दोस्ती में एक नई ताकत बनकर के उभर रही है। आज उन्होंने भारत के लिए जो एक विशेष बैंड स्लोगन लाई है, जिसका वीडियो अभी आपने देखा, मैं समझता हूं कि आपका ये तोहफा भारत के सामान्य मान के हृदय को छूने वाला है और इसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार करता हूं। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आई क्रिएट को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।